तो के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन गेट द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्या कहना चाहेंगे सर, तीसरी बार आपको एक बार फिर से नवाजा गया? आदत पड़ गई है अब तो, हाँ नहीं बहुत खुश हूँ मैं यहाँ आकर, और व्हाट आई एम रियली हैप्पी अबाउट इज आई अटेंडेड, मैंने बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल अटेंड किए हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड और पूरे माहौल में जो खुशी थी और जिस तरह से लोग इसमें शामिल हुए, शिरकत की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट आई एम हियर। भाई मैं जो बोल चुका हूँ मैं वही कहूँगा कि हमारा जो हिंदी प्रेम है वो अंग्रेज़ी विरोध से शुरू ना हो। किसी भी भाषा से नफरत करने का कोई मतलब नहीं होता, अंग्रेज़ी दिमाग की खिड़कियाँ खोलती है, दुनिया के दरवाजे खोलती है, हिंदी भी खोलती है और भाषाएँ भी खोलती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी विरोध से हमारा हिंदी प्रेम शुरू हो ना। मुझे अपनी हिंदी भी उतनी ही पसंद है जितनी अपनी अंग्रेज़ी पसंद है। मैं पहली दफ़े मिला हूँ स्मिता से, एंड आई एम सो हैप्पी, जो मैंने कहा कि दरअसल ये इनकी शख्सियत ही है जिसकी पूरी छाप इस फेस्टिवल पर है, जो मैंने पॉजिटिविटी कही है, हैप्पीनेस कही है, खुशी, देयर इज सो मच ऑफ टॉक्सिसिटी इन द एटमॉस्फेयर बाहर, सोशल मीडिया में देखिए आप, मेन स्ट्रीम मीडिया में देखिए, तो यहाँ आकर वो कहीं पर मुझे नहीं दिखी, बल्कि ये देखा कि पॉजिटिव है लोग और ये इन्हीं की शख्सियत की छाप है आउट से। आप आपकी प्रेजेंस है सच में, रियली आई दैट्स माय इट एड्स ऑन सो मच ग्रेस। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? सर आए अपना कीमती समय यहाँ देकर। ऑब्वियसली मैंने जैसे कि कहा कि लिटो फेस्ट के प्लेटफॉर्म के लिए ये एक बेंचमार्क हो गए हैं हम, कि अब हमने इस साल आपको इस अवार्ड से नवाजा है, तो हम अगले साल हम तो कोई पा ही नहीं पाएंगे ऐसे शख्सियत, तो हमको आपको फिर से बुलाना पड़ेगा शायद। नहीं नहीं आप बुलाइए, मैं ज़रूर आऊँगा, आई बी टू हैप्पी टू कम हियर, लेकिन मतलब मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन वो खुद लाइमलाइट में नहीं आते हैं, सेल्फ प्रमोशन नहीं करते हैं जी। मैं भी नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे कहीं ज़्यादा काबिल हैं और उनसे हम सीखते हैं। आई वुड लाइक टू से वो आपकी ह्यूमिलिटी है सर एक्चुअली, बट इट इज़ अ बिग थिंग फॉर लिटो फेस्ट, और इनके यही प्लेटफॉर्म पे जो यंगस्टर्स को अवार्ड मिला है उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे जो बिल्कुल नए ऑथर को अवार्ड मिलता है, जो बिल्कुल नया नया लेखन शुरू कर रहा है, और जहाँ लाइफ टाइम 4 अवार्ड मिल चुके हैं, ऐसी शख्सियत खड़ी होती है, तो आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। और सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सारे युवाओं के लिए जो पत्रकारिता कर रहे हैं और आजकल रोका काफ़ी जाता है, चाहे ब्रांड हो, इंडोर्समेंट हो, सवाल पूछने से रोका जाता है या आपके सवाल काट दिए जाते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? दो तीन बातें। पहली बात तो खौफ ज़्यादा नहीं होना, डरना नहीं है बिल्कुल, कहना आसान है लेकिन उस हालत तक आना, मतलब जैसे रियाज होता है, योगा होता है, रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डरना नहीं है। दूसरी बात, सरकारों को सर्विस प्रोवाइडर मानना है, जैसे मोबाइल फ़ोन के सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वैसे सरकारें भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं और उन्होंने हमें सर्विस देनी होती है, तो अगर मुझे अच्छी सर्विस मिल रही है एयरटेल से, तो मैं सुनील भारती मित्तल को हार नहीं पहनाऊंगा, उसके पांव नहीं छूऊंगा, खड़ा नहीं हो जाऊंगा मैं, तो सरकारों से आंखों में आंखें डाल के बराबरी के स्तर पर नागरिक बने। और कभी भी ये मत सोचे कि जितने पॉलिटिशियंस का क्लब अलग है, आप उसके हिस्से नहीं हैं। मीडिया की वजह से हम उनको मिल पाते हैं, मिलते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी दुनिया के हिस्से हैं। हमारी दुनिया कीबोर्ड की दुनिया है, सरस्वती की दुनिया है, किताबों की दुनिया है, लिखने की, लिखने की, सोचने की हमारी दुनिया अलग, ये मैं कहूँगा तीन बार। थैंक यू सो मच डन।